वडोदरा जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे गुजराती थाली की बड़ी तलब लगनी शुरू हो गई। मुझे भूख लगती जगह जगह के हिसाब से। तो जय और निशांत सोनी जो हैं दो ब्रदर्स 21 और 22 साल के थे 4 साल पहले 2019 में जब उन्होंने शुरू करी ये जगह बासुंदी, जहाँ पे आपको मिल जाएगी बड़ी ज़बरदस्त गुजराती थाली। और इसकी दो लोकेशंस है, एक करेली बाग में संगम चार रास्ते के पास और दूसरा वासना बिहाली के पास सिनर्जी हॉस्पिटल के ऑपोजिट। तो कहीं भी आप चले जाएंगे एकदम ऑथेंटिक गुजराती खाना मिलेगा आपको। क्रेडिबल है कि दो ये यंग बॉयज़ ने डिसाइड किया कि ट्रेडिशनल गुजराती खाने को और पॉपुलराइज किया जाए। तो हम कौन होते हैं आर्ग्यू करने वाले, तो चलते हैं कुछ खाते हैं और देखते हैं एक्साइटिंग क्या क्या है। क्योंकि थाली में सबसे एक्साइटिंग पार्ट तो ये है कि जितना खाओ उतना आपको मिल जाएगा, बस उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, रूखी सूखी थोड़ा ज़्यादा खाना कम। थाली का मतलब कई लोगों के लिए कई कुछ होता है। कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट थाली दी जाए ताकि रीजनल और लोकल फूड्स जो उनके हैं उसका एक्सपीरियंस आपको मिले और आपको पूरे एरिया का स्वाद आए। वैसे ही बासुंदी की जो थाली है, यहाँ पर आके आपको वडोदरा की जो थाली, जो फ्लेवर्स, जो कलर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और ख़ास बात यह, जब आप अंदर आएँ आपको कोई मेन्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ ये आइटम्स हैं अवेलेबल। अब पानी छोड़ के, पानी मैंने रखा नहीं है, पर सिर्फ ये आइटम्स अवेलेबल हैं मेन्यू पे। बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल ऑथेंटिक, पुराने स्टाइल के फ्लेवर्स एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, यानी बासुंदी की थाली एकदम ओरिजिनल। आपको क्या क्या मिलेगा थाली में? 4 आपको सब्जियां मिल जाएंगी। आज हमारे पास है चना, ये है बीन्स जैसी सब्जी एक, आलू टमाटर आलू, और ये है पनीर मसाला, ये है दाल गुजराती दाल थोड़ी सी मीठी गुजराती कड़ी, और ये है फेमस बासुंदी। तो अगर आप सोच रहे थे कि बासुंदी होता क्या है, बासुंदी होता है एक स्वीट, बड़ी डेलिकेटली बड़े प्यार से बनाया जाता है इसको। पुराने ज़माने में जब लोग आपके घर से जाते थे तो उन्हें एक चम्मच बासुंदी का खिलाया जाता था कि मुंह मीठा करके निकले। हाँ हाँ हाँ, और खाने के साथ तो स्वीट इन्जॉय करते ही थे। तो ऑफ टू अ स्वीट स्टार्ट, और जब शुरुआत मीठी हो और ड्राई फ्रूट्स के साथ हो तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। फ्रेश चाट, नीचे काउंटर है, फ्रेश चाट बन के आती है हर टेबल पे। एकदम फर्स्ट क्लास। वो सारे गुजरात के फ्लेवर्स, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा स्पाइस, ऊपर सेब, नीचे खीरा या काकड़ी, चना, चटनी, सब इसके अंदर। पर सैलड आपको मिल जाएगा, क्रंच के लिए ये मिल जाएंगे, छाछ आपको हमेशा मिलेगी। और अब वापस थाली पे आ जाते हैं, अभी ख़त्म नहीं, अभी तो शुरू है। 3 किस्म की रोटी आपको मिल जाएगी, गेहूँ की पूरी मिल जाएगी और ठेपला, बहुत फेमस है यहाँ का ठेपला। कई लोगों ने बोला जो लोग बोलते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, ये पब्लिक है सब जानती है। वेरी स्पेशल मेथी का ठेपला, क्या मसाले इसके अंदर, ज़्यादा अच्छे मारी। और ये ब्लैक पेपर के साथ बनाए गए 2 फरसान आपको मिल जाएंगे वेज रोल, और ये 2 किस्म की चटनियाँ, दाल का हलवा। और इसीलिए यहाँ पर इतने लोग आकर इस थाली को इतना इन्जॉय करते हैं। फ्लेवर्स आर एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, मतलब इस इलाके के जो फ्लेवर्स आपको घरों में मिलेंगे बिल्कुल वही फ्लेवर्स रेप्लिकेट किए गए। एक्साइटिंग, एवरीथिंग इज़ फ्रेश, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ फ़र्क मिल जाएगा इस थाली में, और मज़ेदार थाली बहुत है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको तो पता ही है मैं थाली इसलिए ऑर्डर करता हूँ क्योंकि जितना खाना मिले आप ले सकते हो। अब देखिए ऐसे अगर करके ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, इसका मतलब है ज़रा चपाती दे दीजिए एक सर। तो ऐसे करते करते ज़िंदगी में इंजॉय करते रहिए। आई होप यू एंजॉयड दिस थाली। वडोदरा आएँ तो बासुंदी पे ज़रूर आके थाली ट्राई करें, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग समथिंग। आ गए चपाती आ गई और ये देखिए गर्म गर्म चपाती, थैंक यू थैंक यू। और जब आपकी थाली ख़त्म होगी तो आपको मिलेंगे चावल और दाल की खिचड़ी, थैंक यू, खूब सारे घी के साथ, ब्यूटीफुल घी, इसकी अरोमा यहाँ तक आ रही है मेरे को। ये दाल खिचड़ी जो इनकी है बड़ी स्पेशल है, लोग कहते हैं कि ये खिचड़ी खाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, पर हम तो सब कुछ खाने के लिए आते हैं। तो वह दौड़ रहा है बासुंदी पे ज़रूर आएँ और ये सब ट्राई करें, ऑथेंटिक यहाँ के फ्लेवर्स। और मज़ा थाली का यही कि सब कुछ एक शॉट में आपके पास डिलीवर्ड, वाह क्या बात है। और बाय द वे ये रूड नहीं होता है, अटेंशन अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, स्नैप किया डिफरेंट सिग्नल्स पे डिफरेंट डिफरेंट खाना आपको मिल जाएगा लाइक मैजिक। अच्छा भाई बाद में दिखाऊंगा, अभी खाना खा लूँ पहले।
तंग करते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, उंगली चटक दो, कुछ मंगवा लो, दाल खा लो, चपाती लाओ।